दामा भिखारी से पूछो चालन सुदामा भिखारी से पूछो जाकर के गौ किनारी से पूछो जाकर के गौ किनारी से पूछो Oh,
इन दोनों जब कंस का वध कृष्ण ने कर दिया, दौड़ करके अपने पिता जरासंध के पास जाते हैं। जरासंध बोलते हैं, अरे पुत्री, ये हाल आपका किसने किया? देवियां कहती हैं, ब्रज से आया कन्हैया और उसी ने मेरा ये हाल बनाया, महाराज कंस को मार दिया। जरासंध ने को क्रोध आया, जरासंध ने पूरे भगवान के साथ में पूरे मथुरापुरी पे चढ़ाई कर देता है। भगवान सोचते हैं अब क्या किया जाए। भगवान दौड़ करके जाते हैं आगे। जैसे ही गए गुफा में, गए गुफा में मुचकंद सो रहा था, उसे अपने पिता मरोड़ा दिए। भगवान के द्वारा मुचकंद का उद्धार हुआ, इत्यादि उद्धार। समय को देखते हुए हम लोग आज भगवान का विवाह ही करवाना है। मुचकंद का भगवान ने उद्धार किया। आगे चलकर के 17 बार जरासंध से हारे। शिशुपाल भी साथ में था। जरासंध से भगवान 17 बार हार गए, जीत गए। और जब 18वें बार की बारी आई तो जरासंध जैसे 17 बार हारा था ना, उसने कहा ब्राह्मण रोज जप माली लेकर के दौड़ते हैं, आज ब्राह्मणों को बुलाए। उसने कहा कि मैं देखो ये कृष्ण से मैं 17 बार हार चुका हूँ, 18वें बार में लड़ाई है, इसमें अगर मैं नहीं जीता ना तो समझ लेना। ब्राह्मण देवताओं ने कहा प्रभु पहले कुछ जप करवाओ, पाठ वगैरह तभी ना होगा। जरासंध ने कहा शुरू कर दो पाठ करना, लेकिन मुझे मेरी विजय होना चाहिए। ब्राह्मणों ने पूजन अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, परमात्मा को ध्यान कर लिए। और सुंदर परमात्मा का ध्यान करके बोले कन्हैया तुम ही मेरे सम्मान को बचाना। तो भगवान आए 18वें बार में बलराम जी भी आए। फिर जरासंध ने चढ़ाई कर दिया और कन्हैया ने कहा भैया ये तो पूरी अपने अक्षणी सेनाओं को लेकर के आया है, क्या करेंगे? बलराम जी ने कहा कन्हैया जब तक ये आपका भाई है ना तब तक आप पे आंच नहीं आएगा। कन्हैया ने कहा नहीं भैया भाग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर कन्हैया लड़ने देते तो फिर जरासंध हार जाता, इधर ब्राह्मणों का वध हो जाता। इसलिए कन्हैया बोले भैया भाग चलो। बलराम जी ने कहा कन्हैया अगर भाग चलेंगे ना तो सम्मान चला जाएगा। कन्हैया ने कहा कि नहीं भैया चलो। बलराम जी ने कहा कन्हैया तू चल हम आ रहे हैं, इन लोगों को पहले सिखा देते हैं कितना ताकत है, दिखा देने दो। उन्होंने कहा नहीं मैं एक सुंदर पुरी का निर्माण करवाया हूँ, वहां चल करके अब हम मथुरावासी सब लोग वहीं चल करके रहेंगे। सुंदर वहां से छोड़ करके भगवान रण को छोड़ करके जैसे चलते हैं, बलराम जी कहते कन्हैया रुक जा शत्रु आ गया है, अगर इस तरह भागेंगे तो शत्रु ललकार करके बोलेंगे रण छोड़। भगवान ने कहा भैया वैसे जब इतने नामों से हम पुकारे जाते हैं एक नाम और सही, रण छोड़ भी नाम हो गया। भगवान जैसे रणभूमि को छोड़कर भागे तब तक भगवान का एक नामांकन और हो गया, रण छोड़ भगवान की।
और नाम हुआ द्वारिका में भगवान, द्वारिकापुरी में सुंदर आज भगवान रह रहे हैं। नारद इत्यादि आए विदर्भ देश में के राजा भीष्मक जी थे, उनके यहाँ एक दिन नारद जी आए भगवान।
अब प्यार के पापियों को पाप से है यही